हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। सो मैंने आप सभी को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना था थिंकर्स एंड बुक्स का। सो यहाँ पर इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा बेसिकली एरिस्टोटल मेटाफिजिक्स एंड थियोलॉजी, है ना, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डिक्टेटर इन द वर्ल्ड? पॉल बिया, थियोडोरो ओब्योंग, मबासोगो, अल खुमनेई या हुनसेन? यहाँ पर राइट आंसर होगा पॉल बिया, है ना। पॉल बिया आप देखोगे कौन है, पॉल बिया सबसे लॉन्गेस्ट रूलिंग डायरेक्टर डिक्टेटर रहे हैं वर्ल्ड में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग की प्रिंसिपल ऑफ गांधी सत्याग्रह, इन्फिनाइट कैपेसिटी ऑफ सफरिंग, अहिंसा, त्रुथ और ऑल ऑफ द अबव? कौन गांधी के सत्याग्रह का मुख्य सिद्धांत है? दुख के लिए अनंत क्षमता, अहिंसा, सत्य? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जब हम बात करते हैं गांधी के प्रिंसिपल्स की, तो देखो गांधी के जो सत्याग्रह के प्रिंसिपल रहे, इनफिनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग बताया, अहिंसा बताया, त्रुथ बताया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेसिकली व्हाई डिड रियलिज्म चैलेंज द एकेडमिक सुपरमेसी ऑफ लिबरल थॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद यथार्थवाद ने उदारवादी विचारधारा के अकादमिक वर्चस्व को क्यों चुनौती दी? तो वायसराय की संधि की शर्तों ने निरंतर शांति की अवधि की तुलना में एक और प्रमुख युद्ध की संभावना अधिक बना दी। फिर या फिर लिबरल इंस्टीट्यूशन जो इंस्टीट्यूशन था लाइक लीग ऑफ नेशन सीम्ड इनफेक्चुअल, जो लीग ऑफ नेशन था वो काफ़ी ज़्यादा निष्प्रभावी लग रहा था, और लिबरल व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर सीम टू बी डिस्क्रेडिट बाय द राइज ऑफ ब्रूटल रीजन लाइक नाजी जर्मनी। मानव प्रकृति के उदार विचारों को नाजी जर्मनी द्वारा जैसे क्रूर शासकों के उदय से बदनाम होना प्रतीत होता है, है ना। देखो क्वेश्चन देखो सारे क्या होगा राइट आंसर इसका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो आप लोगों का बेसिकली जो लिबरल थॉट है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो रियलिज्म चैलेंज द एकेडमिक सुपरमेसी, तो इन्हीं वजह से। ठीक है, जो टर्म था ट्रीटी ऑफ वर्साइल मेड अनदर मेजर वॉर, है ना, जो 1919 की जो वायसराय की संधि हुई थी, आप सबको पता ही, अगर वो ना होती तो शायद नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लिबरल इंस्टीट्यूशन लीग ऑफ नेशन जो था वो इनफेक्चुअल हो गया, और लिबरल व्यू जो थे ह्यूमन नेचर के, है ना, डिस्क्रेडिट बाय राइज ऑफ ब्रूटल रीजन जैसे नाजी जर्मनी को देखा गया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है न्यू सोशल मूवमेंट का? ये ओल्ड होते हैं बट इनके भी न्यू फीचर्स होते हैं लाइक इकोलॉजिकल, पीस, जेंडर। ये दे रिस्पॉन्ड टू सोशल नीड्स विच हैव मोर रिसेंटली बीन ग्रांटेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट। दे आर सिंगल क्लास टॉटम मूवमेंट, दे आर लेड बाय बॉट ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इलाइट। तो नए सामाजिक आंदोलनों की विशेषता नहीं है, वे पुराने हैं लेकिन कुछ नई विशेषताएं हैं जैसे पारस्थिति, शांति, लिंग। वे सामाजिक जरूरतों पर प्रतिक्रिया देते हैं जो हाल में ही विश्व विकास द्वारा उत्पन्न हुई हैं, है ना। वो सिंगल क्लास मूवमेंट है, पारंपरिक और आधुनिक दोनों अभिजात वर्ग के नेतृत्व में होते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर नहीं बताना था, तो ये लेड होते हैं ट्रेडिशनल मॉडर्न लाइट्स द्वारा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, ठीक है, सबस्टेंसली रिवाइज हुई 2017 में भूटानीज किंग के द्वारा, तो कौन थे, है ना। 2017 में भूटानी राजा के तहत जो भारत भूटान मैत्री संधि को संशोधित किया गया था, तो कौन है राजा वहाँ के? तो राइट आंसर होगा आप लोगों का वांगचुक, है ना। उनके राजा का नाम है जिगमे केसर नमग्याल वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की टास्क ऑफ लीडरशिप जो फिलिप सेल्जेंट ने आइडेंटिफाई की थी। तो इन्होंने डिफाइन किया था इंस्टीट्यूशनल मिशन एंड रोल को, डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी, इंस्टीट्यूशनल एम्बॉडीमेंट ऑफ पर्पस, मर्जर ऑफ पर्सनल स्टेटस विद द इंस्टीट्यूशन। फिलिप सेल्जनिक द्वारा पहचाने गए नेतृत्व का प्रमुख कार्य कौन सा है?
यहाँ पर राइट आंसर होगा मर्ज ऑफ पर्सनल स्टेटस विद द इंस्टीट्यूशन। तो जो फिलिप सेल्जनिक है ना, तो ये क्या आइडेंटिफाई करते हैं, इन्होंने की टास्क जो था लीडरशिप का उसमें क्या बताया, मर्ज करना पर्सनल स्टेटस को किसके साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि इलेक्ट्रल सिस्टम जो होता है वो डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम को। तो रॉबर्ट मिशेल, जोसेफ शंपीटर, मॉरिस ड्रेगर या फिर मैक्स वेबर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मॉरिस ड्रेगर। ठीक है, मॉरिस ड्रेगर इसका राइट आंसर होगा। मॉरिस ड्रेगर देखते हैं कि जो इलेक्ट्रल सिस्टम है वो डिटरमाइन करता है नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेशन रिसेंटली लॉन्च द एन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड नेविड सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अबव अर्थ। तो हाल में ही किस राष्ट्र ने पृथ्वी के ऊपर कक्षा में नेविड उपग्रह नामक एक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया था। तो यूएई, ईरान, टर्की, यूएस। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ईरान। ठीक है, ईरान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज़ द नेम ऑफ आर कंट्री। भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया, इंडिया और भारत, इंडिया भारत हिंदुस्तान, इंडिया भारत हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया एंड भारत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री का नाम है। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। तो बताना है आपको, फ्रीडम ऑफ माइंड इज रियल फ्रीडम, इफ़ आई फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन बींग मिसयूज्ड आई शैल बी फर्स्ट टू बर्न इट। अगर मुझे लगता है कि संविधान का दुरुपयोग कर हो रहा है तो मैं सबसे पहले इसे जलाऊंगा। मैं किसी समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की सीमा से मापता हूँ जो महिलाओं ने हासिल की। ब्रिटिश रूल इज बिगेस्ट गिफ्ट है मॉडर्न इंडिया का। तो आपको गलत बताना है। तो ये बी आर अम्बेडकर थोड़ी बोलते थे कि ब्रिटिश रूल बिगेस्ट गिफ्ट है ना। तो कौन बोलते थे, मॉडरेट्स बोलते थे, मॉडरेट्स अच्छा मानते थे है ना कि अच्छे हैं। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन आर ऑफ हाईली टेक्निकल नेचर, जुडिशियल रेमेडी इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जुडिशियल प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, जुडिशरी कैन बाय इट्सेल्फ टेक कॉग्नाइजेंस ऑफ द एक्सेसिव ऑफ द ऑफिशियल्स। निम्न में से कौन प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की सीमा नहीं है। प्रशासनिक क्रियाएं कुछ तकनीक प्रकृति की हैं, न्यायिक उपाय काफ़ी महंगा है, न्यायिक प्रक्रिया समय लेने वाली है, न्यायपालिका स्वयं अधिकारियों की जाति को संज्ञान ले सकती है। राइट आंसर होगा यहाँ पर जो कौन सा लिमिटेशन नहीं है, जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। तो जुडिशरी कैन बी इट्सेल्फ टेक कॉग्नाइजेशन ऑफ एक्सेसिव ऑफ ऑफिशियल्स। तो ये रॉन्ग होगा। अब आप लोगों को इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, असर्शन रीजन दिया हुआ है, ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशन स्टेट। रीजन कहता है कि नेशन स्टेट सीम टू बी हैव लॉस देयर सोवरेनिटी इन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्यों के एकीकरण का नेतृत्व किया है। कारण कहता है राष्ट्र राज्यों ने वैश्वीकरण के युग में अपनी संप्रभुता खो दी है। तो ये ऑप्शंस हैं, आपको आंसर करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके साथ साथ मेरा जो कोर्स है अन अकेडमी पे, डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही है, रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है, स्पेशल क्लास हो रही है। ठीक है, तो आप लोग आ सकते हैं। इसके अलावा जो वॉरियर टेस्ट है जब होगा मैं आपको बता दूंगी। रिवीजन सीरीज एमसीक्यूज पर हो रही है, मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस पर कल है आप लोगों का, कितने बजे, 8 बजे। ठीक है, सॉरी आज है, आज रात में 8 बजे आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा। आज वेडनेसडे है ना, हाँ मुझे लगा ट्यूसडे। ठीक है, तो वेडनेसडे है आज, तो 8 बजे होगा आप लोगों का, ठीक है, टेस्ट। तो भाई सारे बच्चे तैयार हो गए आना। ठीक है, मैं आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस पे ही लूँगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था ना मैं बता दूंगी, लेकिन अब मैं पॉलिटिकल साइंस पे ही आपका मॉक टेस्ट लूँगी। तो जो भी स्टूडेंट आएंगे अच्छे से तैयारी प्रिपेयर करके आना। रेफरल कोड यहाँ पर मीनाक्षी लाइव यूज़ करना जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहो। ठीक है, अभी बहुत अच्छा एक ऑफ़र भी चल रहा है। ठीक है, अगर आप ऑफ़र ये है कि अगर आप 6 मंथ या 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तब आप लोगों को मिलेगा 6 मंथ पर आप लोगों को 1 मंथ का, और 12 मंथ पर भी 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो सब्सक्रिप्शन।
आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो, यूज़ करना मीनाक्षी लाइफ फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो ये बेसिकली आप लोगों का कल तक है, ठीक है, 13th अक्टूबर तक है. थैंक यू.